अभी हो रहा है 10:18, नेक्स्ट 1 o'clock तक आई विल ट्राई टू फिनिश. ठीक है, चलो वी विल ट्राई टू डू इट. बहुत अब हम लोग को समझ आ गया है कैसे क्या है, सो वी कैन बी रियल क्विक. यहाँ पे जस्ट डाउनलोड सेप्टेम्बर 2021 पेपर. आई विल शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो. वेट, सेप्टेम्बर 2021 अप्रैल, सॉरी सेप्टेम्बर 2021 CM1B, CM1B. ओके, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. ठीक है, देर आर फोर क्वेश्चंस, देर आर फोर क्वेश्चंस. वी विल स्टार्ट सबसे नीचे वाले क्वेश्चन से, बड़ा क्वेश्चन से करते हैं, बिकॉज आई फील तुम लोग को खुद को डिसाइड करना है कि एग्जाम में आपको क्या अप्रोच करना है. क्विक क्वेश्चन रीडिंग कर सकते हैं एंड देन समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए बेटर है, उससे वी कैन स्टार्ट. बट अदरवाइज क्लास में आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज कि आई फील आप लोग का जो अटेंशन स्टार्ट, हाँ टॉपिक वाइज, हाँ, वैसे कर सकते हो. और दूसरा मुझे लगता है कि क्लास में ये कराने से बेटर रहता है बिकॉज आप लोग का जो स्टार्टिंग में माइंड रहता है टुवर्ड्स द एंड रहता है वो डिफर हो जाता है इसीलिए. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन स्प्रेडशीट खोलती हूँ, आप लोग रीड करना स्टार्ट करो क्विकली. ये अपना वर्कबुक है. ओके, स्टार्ट विथ क्वेश्चन 4. नहीं आता है बट ठीक है, आ सकता है. दिस वॉज वन ऑफ द टर्म्स जहाँ आया. आई डोंट थिंक किसी और टर्म में, एक या दो टर्म में आया है खाली, फोर क्वेश्चन सारे टर्म्स में नहीं आया है. ठीक है, कोई बात नहीं, क्या है, हमें तो करने से मतलब है. एंड आई फील समहाउ जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना बेटर है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन अगर आप लेंदी कर दो तो अगर आपको आए ना तो डिफिकल्टी हो जाएगा. वेराज वही अगर आपके चार क्वेश्चन है छोटे छोटे तो आपके चांसेस टू कम्प्लीट ज्यादा हो जाते हैं. हो सकता है कोई टॉपिक में आपको लगे यार ये नहीं यार, तो आधा करके यू कैन मूव टू अनदर वन. चलो लेट्स स्टार्ट. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज 30 और एन्युटी. लिंक्ड जॉइंट लाइफ है, एंडोमेंट है. मैन इज एज 32, वुमेन इज एज 35. शुड आइदर लाइफ डाई, जल्दी आओ, शुड आइदर लाइफ डाई ड्यूरिंग द टर्म अ बेनिफिट ऑफ 2 lakh और द बिड वैल्यू ऑफ द यूनिट इफ हायर इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट डेथ ऑन सर्वाइवल बोथ ऑफ बोथ द लाइफ टू मेच्योरिटी. तो दोनों को जिंदा रहना पड़ेगा, किसी एक के नहीं, तो उससे 102% ऑफ द बिड वैल्यू मिलेगा. ऑन अर्ली सरेंडर बिड वैल्यू लेस अ सरेंडर पेनल्टी इज पेबल. प्रीमियम विच इंक्रीज एट अ फिक्स रेट ईच ईयर आर पेबल एनुअली इन एडवांस और अंटिल द डेथ ऑफ द फर्स्ट लाइफ. तो ये जो बेनिफिट ऑफ 2 lakh है वो कब मिलेगा, शुड आइदर लाइफ डाई ड्यूरिंग, तो कोई भी एक लाइफ के मरने पे मिलेगा. एंड सर्वाइवल ऑफ बोथ तो हम लोग को 102% मिलेगा एंड दिस इज फर्स्ट डेथ का बेनिफिट खाली. सरेंडर पे सरेंडर पेनल्टी माइनस करके जो भी विड वैल्यू है वो मिलेगा. प्रीमियम स्ट्रक्चर एज वेल एज द मोर्टैलिटी सरेंडर प्राइसिंग एवरीथिंग इज गिवन इन द स्प्रेडशीट. डिटरमाइन द यूनिट फंड कैश फ्लोज फॉर द पॉलिसी. इंडिपेंडेंट डेक्रीमेंट रेट्स गिवन है एंड प्रॉफिट मार्जिन निकालना. सो पूरा प्रॉफिट टेस्टिंग हम लोग को पूरा यूलिप का एक जो बोलते हैं सम दिया हुआ है. नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, क्विकली लेट्स गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इस सम को. चलो क्या दिया हुआ है देखो. सो वी हैव ऑल द मेल फीमेल का रेट्स दिया हुआ है. इंडिपेंडेंट रेट ऑफ सरेंडर दिया हुआ है. दिस इज इंडिपेंडेंट रेट ऑफ सरेंडर. सरेंडर पेनल्टी दिया हुआ है. रिडक्शन इन द बिड वैल्यू, मतलब कि पहला साल अगर सरेंडर करेगा तो 80% ऑफ द बिड वैल्यू उसको मिलेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. इनिशियल प्रीमियम हम लोग को दिया हुआ है 6000. प्रीमियम इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 1.5% कंपाउंड. रेट ऑफ ग्रोथ ऑन एसेट
इन द यूनिट फंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉन यूनिट फंड, तो ये सारा हम लोग को दिया हुआ है. इनिशियल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कमीशन दिए हुए हैं, प्रीमियम एलोकेशन दिया हुआ है, बिड ऑफर स्प्रेड, मैनेजमेंट चार्जेस, सरेंडर्स आर अज्यूम, ये मुझे पढ़ना था ये लाइन, सरेंडर्स आर अज्यूम टू अकर एट द एंड ऑफ द पॉलिसी ईयर एंड डेथ्स अक्रॉस द ईयर. तो हम लोग फिर जब ये निकालेंगे डिपेंडेंट रेट्स, तो उसमें हम लोग को हेल्प होगा ये वाला लाइन अजम्पशन, राइट. चलो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट क्विकली नाउ. स्टार्ट करो. वैल्यू ऑफ यूनिट फंड एट द स्टार्ट क्या होगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से ही तो स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली. प्रीमियम कितना मिल रहा है हम लोग को, कितना दिया हुआ है पहले वाले शीट में, टेक इट फ्रॉम हियर ना. प्रीमियम इज 6000 एंड देन प्रीमियम इज इंक्रीजिंग बाय हाउ मच, इट्स इंक्रीजिंग बाय, एक बार देख लो फिर करना क्योंकि आई विल नॉट रिपीट अगेन. प्रीमियम इज इंक्रीजिंग बाय 1.5%, मेक इट एब्सोल्यूट एंड ड्रैग. ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीमियम का पूरा कॉलम. 30 इयर्स का पॉलिसी है हमारा एज गिवन इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट एलोकेटेड प्रीमियम कैसे निकालते हैं, दिस इनटू व्हाट, हाँ बोलो. कौन सा बिड ऑफ, ये एलोकेटेड प्रीमियम, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर क्या होगा, दिस इनटू दिस 95 एंड थर्ड वाला हो गया कॉन्स्टेंट, दिस इनटू योर 100% एंड जस्ट मेक इट एब्सोल्यूट एंड यू ड्रैग. ठीक है, नाउ इट्स 100%, तो आप लोग बोलोगे हम लोग नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं उस सेल को, नहीं सिलेक्ट आपको करना है क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा, राइट. आफ्टर दिस बिड ऑफर स्प्रेड कैसे निकलता है, दिस इनटू, बोलो, जो भी हम लोग को दिया हुआ है ये 4% बिड ऑफर स्प्रेड. ठीक है, मेक इट एब्सोल्यूट, वेट, मेक दिस एज एब्सोल्यूट एंड यू ड्रैग. बोलो क्या डाउट आ रहा है, एंड यू ड्रैग. ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट ग्रोथ. यूनिट ग्रोथ कैसे निकालेंगे, बोलो. प्रीमियम फिर प्रीमियम लेंगे क्या, यूनिट फंड एट द स्टार्ट लेंगे प्लस एलोकेटेड प्रीमियम लेंगे, है ना, माइनस बिड ऑफर स्प्रेड लेंगे. माइनस बिड ऑफर स्प्रेड होता है ना, बिड ऑफर स्प्रेड तो एक कॉस्ट है. तो वैल्यू एट द स्टार्ट प्लस द एलोकेटेड प्रीमियम माइनस बिड ऑफर स्प्रेड, दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या, यूनिट ग्रोथ क्या दिया हुआ है 3.5, मेक इट एब्सोल्यूट एंड यू ड्रैग. मैनेजमेंट चार्जेस क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट चार्जेस क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट चार्ज क्या बोला है, मैनेजमेंट चार्जेस 0.5% ऑफ द बिड वैल्यू ऑफ यूनिट्स डिडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच पॉलिसी बिफोर डेथ सरेंडर मेच्योरिटी एवरीथिंग इज पेड. सो बेसिकली इट विल बी व्हाट, इट विल बी दिस प्लस प्लस एलोकेटेड प्रीमियम माइनस बिड ऑफर स्प्रेड प्लस यूनिट ग्रोथ, है ना. यूनिट ग्रोथ प्लस कर दोगे तो आप एंड ऑफ द ईयर पे आ ही गए, और क्या, यस और नो, बोलता ही नहीं है कोई कुछ. मल्टीप्लाइड बाय क्या, कहां गया 0.5, मेक इट एब्सोल्यूट एंड यू ड्रैग. देन वैल्यू ऑफ द फंड एट द लास्ट हो जाएगा स्टार्ट में जो था प्लस द सॉरी हाँ प्लस दिस माइनस बिड ऑफर प्लस यूनिट ग्रोथ एंड माइनस मैनेजमेंट, करेक्ट. एंड ये वाला क्या हो जाएगा, दिस, राइट, ड्रैग एंड ड्रैग, एंड दैट्स हाउ यू मेक द टेबल. चलो क्विकली कंप्लीट करो. शुड नॉट टेक
should not take more than 2 minutes. Quickly complete. जल्दी आओ. ऐ तुम अकेले नहीं बैठेगा, आगे बैठो. दो तुम लैगिंग कर रहे हो उसका. पढ़ाई मेरी थी, क्या लैगिंग कर रहा है. ये भी एक तरीका का रैगिंग ही हुआ जो तुम अभी बोला. ठीक है, नो बॉडी शेमिंग इन क्लास. तुमको बोले, तुमको बोले अभी. हाँ फिर फू मारते उड़ जाएगा तुम. हाँ सेप्टेम्बर 21 क्वेश्चन 4 कर रहे हैं. बात मत करो, सो क्विकली कंप्लीट करो. हम लोग का टारगेट है, हम लोग 1 o'clock तक पूरा पेपर खत्म करेंगे. अगर ये हो गया तभी तुम लोग अपने एग्जाम में पास होगा, वरना मत एक्सपेक्ट करना. वरना सितंबर का तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं, समझा. क्या सेटिंग हो गया है मेरा भाई, क्या हो गया इसमें कीर्ति. गर्मी लग रहा है, 2 मिनट बैठो शांति से. गर्मी लग रहा है. हुआ कि नहीं, अरे उसका हेल्प करो ना जिन लोग आए अभी. देखो तुम लोग के लिए एनीवेज आई नॉट वेट बिकॉज तुम लोग लेट आए हो. कॉलेज 9:50 पे खत्म होता है. क्योंकि तुम कुछ गलत की होगी, तुम 0+ नहीं की हो. हाँ हाँ तो बाकी अभी डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि तुमने ड्रैग नहीं किया ना अभी तक. पूरा ड्रैग कर दिया सब कुछ, सारा कॉलम्स. एब्सोल्यूट नहीं किया होगा. जब तक पूरा टेबल नहीं कंप्लीट कर लोगे, तब मतलब सब कुछ याद नहीं कर दोगे, तब तक डोंट मैच. यस नो हो गया, एक बार लिख दो प्लीज चैट बॉक्स में क्विकली. इतना टाइम नहीं है, वी डोंट हैव 10 hours टू कंप्लीट अ पेपर. हुआ डाउनलोड करने में क्या दिक्कत है? वो तुम नहीं भेजेगा व्हाट्सएप में क्या? खत्म करो यार, तुम लोग क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हैं. इसका क्या नाम है, भूल गए, वरुण.
देवांश हेल्प कीर्ति हेल्प क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है अभी ये तुम लोग कर सकता था पर ठीक है चलो ओके नेक्स्ट पार्ट इज इंडिपेंडेंट डिक्रीमेंट्स रेट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू ऑलरेडी इन द वर्कशीट तो यहाँ जाओ रेट्स ऑलरेडी हम लोग को गिवन है कैसे क्यू एक्स दिया हुआ है इंडेक्स मैच यूज करके हम लोग क्यू एक्स ले लिया है क्यू वाई ले लिया है रेट ऑफ सरेंडर हम लोग को दिया हुआ है दिस इज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट निकालना है ऐसे बोल रहा है कि पता नहीं क्या दे दिया ठीक है कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन तो पहले डिपेंडेंट रेट्स निकालेंगे डिपेंडेंट रेट्स कैसे निकालेंगे बताना रेट सबसे पहला है रेट ऑफ फेलियर ऑफ ज्वाइंट लाइफ फेलियर ऑफ ज्वाइंट लाइफ का क्या मतलब है दोनों दोनों में से दोनों जन मर गया या एक जन मर गया विच इज वन माइनस दोनों मर गया मतलब वन माइनस दोनों जिंदा है ना विच इज वन माइनस दोनों जिंदा है विच इज वन माइनस दिस इंटू वन माइनस दिस इसका क्या मीनिंग है देख लो एक बार वन माइनस क्यू एक्स वन माइनस क्यू वाई इसका मतलब है एक बार देख लो फिर करना इसका मतलब है दोनों जिंदा है वन माइनस दोनों जिंदा है का क्या मीनिंग हो जाएगा या तो दोनों मर गए या एक कोई मर गया ठीक है ये हो गया नेक्स्ट इसको ड्रैग कर देंगे एट सिक्सटी वन एंड सिक्सटी फोर तक लिया हुआ है थर्टी टू से डिपेंडेंट रेट ऑफ सरेंडर क्या हो जाएगा डिपेंडेंट रेट ऑफ सरेंडर क्या बोला है क्वेश्चन में कि एट दी एंड ऑफ द ईयर ही सरेंडर कर सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी कि दोनों जिंदा है विच इज दिस वन माइनस दिस का मतलब दोनों जिंदा है पूरे साल क्या इंटू इंटू ये करोगे ना इसका क्या मतलब हुआ वन माइनस दिस एक बार क्विकली प्लीज समझ लो वन माइनस दिस कर देंगे तो बेसिकली दोनों जिंदा है अगर दोनों जिंदा है तभी तो आप सरेंडर दोगे अगर कोई भी एक जन मर गया तो डेथ बेनिफिट मिल चुका है तो दोनों जिंदा है दोनों जिंदा मतलब वन माइनस क्यू एक्स इंटू वन माइनस क्यू वाई वही आ रहा है वन माइनस आई इलेवन करने से दोनों जिंदा है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सरेंडर एट द एंड ऑफ द ईयर इसको ड्रैग कर दो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फिर कि दोनों जिंदा भी है और दोनों ने सरेंडर भी नहीं करा तो वन माइनस दिस एपीएक्स वाई वन माइनस दिस सरेंडर भी नहीं किया जिंदा है और सरेंडर भी नहीं किया एंड ये वाला हो गया आपका प्रॉफिट सिग्नेचर के लिए जो हम लोग निकालते हैं पहले साल पे वन होगा दूसरे साल पे दिस इंटू दिस वन माइनस क्यों जिंदा वाला ठीक है अब इसको ड्रैग कर दो क्विकली ये टेबल बनाओ पहले फिर आगे का करेंगे फिर नॉन यूनिट फंड बनाना है एंड प्रॉफिट मार्जिन निकालना है दैट्स इट नहीं नॉट श्योर आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं इसके बाद का कहाँ है कहाँ नहीं 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 सीएमएन में नहीं आता है कुछ भी पहले सेम टाइम पे मिलता है स्प्रेडशीट पहले कैसे दे देगा तुमको समझ आ जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है खाली फाइल जाता है सीएसएन में ऐसे भी फिर भी तो तुम लोग का मार्क्स अच्छा नहीं आता फिर तुम लोग को अगर हम वन मंथ पहले भी दे देंगे तुम लोग फिर भी नहीं अच्छा कर पाओगे तुम लोग का माइंड सेट ही चीटिंग वाला है शॉर्टकट हो गया यहाँ तक
नेक्स्ट हम लोग नॉन यूनिट फंड में सबसे पहला क्या लेते हैं? नॉन यूनिट कैश फ्लोज, नॉन नॉन यूनिट फंड कैश फ्लोज में बोलो क्विकली। अच्छा पहले लेते हैं अनएलोकेटेड प्रीमियम, विच इज व्हाट? विच इज व्हाट? पहले वाली शीट में प्रीमियम माइनस ये वाला एलोकेटेड प्रीमियम इज अनएलोकेटेड प्रीमियम है। फॉल्स क्यों आ गया? माइनस। ओके okay. बाद के जीरो आएंगे क्योंकि 100% एलोकेशन रेट था। देख लो आफ्टर दिस बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ क्या है। डॉक्टर कॉपी लाया तुम लोग? मैंने बोला था कॉपी लेके आना। नोट्स कॉपी निकालेगा कब? कल या सितंबर टर्म में? पिच पिच मत करो, एकदम गुस्सा आ रहा है अभी मेरे को। एवरी डे प्रॉफिट टेस्टिंग का एक सम कर रहे हैं और हम लोग को याद नहीं हुआ अभी तक कैश फ्लोज। हंस रहे है? बोलो नेक्स्ट। एक्सपेंसेस लिखेंगे खाली, पहला क्या होगा? गुस्सा दिलाते हो। इसको ड्रैग करेंगे, फिर इसको एब्सोल्यूट। ये सब शॉर्टकट तुम लोग जीवन में नहीं सीखे हो क्योंकि तुम लोग देख ही नहीं रहे। कमीशन 20% ऑफ क्या? कहाँ है प्रीमियम? इधर है। इसको एक कॉलम नीचे ड्रैग करेंगे, फिर इसको एब्सोल्यूट कर देंगे। देख लो प्रीमियम कमीशन, कमीशन के बाद दिस ऐसे बोल रही कीर्ति कि पता नहीं कौन सा एग्जाम दे रही है। दिस देन क्या करते हैं? बिड ऑफर्स पे माइनस होता है कि प्लस होता है? नॉन यूनिट में माइनस होता है, यूनिट में भी माइनस, नॉन यूनिट में भी माइनस। वाह 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 वाह। हाँ सेकेंड ऑप्शन इज प्लस ओनली। नॉन यूनिट फंड, यूनिट फंड में माइनस होता है क्योंकि पॉलिसी होल्डर से चार्ज करते हैं अपने। बिड ऑफर स्प्रेड इज व्हाट? बाइंग सेलिंग कॉस्ट। तो वो अपने किससे चार्ज करते हैं? पॉलिसी होल्डर से। और मेरे लिए कंपनी के लिए इनकम हो गया प्लस। समझ आया बिड ऑफर स्प्रेड का मतलब? बाइंग, मेरा कंपनी का तो बाइंग सेलिंग कॉस्ट लग रहा है ना, तो किससे चार्ज करेंगे? तो उसका माइनस हुआ यूनिट फंड में और नॉन यूनिट में ऐड हो गया। नेक्स्ट इनटू नॉन यूनिट फंड का ग्रोथ, ये हो गया अपना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद बोलो, इंटरेस्ट के बाद एएमसी, विच इज देयर इन द शीट। तुम मैनेजमेंट चार्ज भी लिख सकते हो, बेटर रहेगा। टाइम निकलते जा रहे हैं। क्या है? नहीं, अलग अलग लिखना है सबका, एक एक मार्क है। अरे भाई नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ
डेथ बेनिफिट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेथ बेनिफिट कौन बताएगा? क्या बोले क्वेश्चन में? मैक्सिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ दिस, और जो भी एक गारंटीड अमाउंट दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ कहाँ गया? इधर है क्या? इधर इन्होंने नहीं लिया ना? क्या है डेथ बेनिफिट बोलो तो एक बार? डेथ बेनिफिट कितना है? बोलता ही नहीं है कुछ। अमाउंट बताओ मेरे को डेथ बेनिफिट का। दो 2 लाख। तो दिस नहीं, मैक्सिमम ऑफ दिस माइनस ये वाला यूनिट फंड एट द लास्ट, क्योंकि अगर हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट हम निकालते हैं ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट ईडीसी निकालते, ईडीसी निकालते हैं, कॉमा जीरो, अगर वो नेगेटिव चला जाएगा तो ठीक है। दिस इनटू क्या करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ मरने का, कौन सा प्रोबेबिलिटी लेंगे? रेट ऑफ फेलियर ये, या तो कोई एक मरा पूरे साल या तो दोनों मर गए पूरे साल। दिमाग का बत्ती चला क्या? आपका साबुन स्लो है? ऐसे ब्लैंक मत देखो मेरे को, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट टेस्टिंग। हाँ देवांश, तो तुम ब्लैंक क्यों एकदम हस? देख तुम अगर एक लाइफ मरा पूरे साल, या तो मेल मर गया या फीमेल मर गई या दोनों एक्सीडेंट में मर गए, तो ही तो डेथ बेनिफिट मिलेगा ना? तो यही होगा ना? अब बोलना मत कि मैम इससे हम लोग का कंटिंजेंट, इससे हम लोग का जॉइंट लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। आई होप ये सब जब आप लोग कर रहे हो, आपका जॉइंट लाइफ का भी कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली क्लियर हो रहा है। इसमें अपने एब्सोल्यूट कर दिया, वेरी गुड। इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा डेथ कॉस्ट जो आप लोग लिखते हो ना, ईईडीसी, ये आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म निकाला है, बट शॉर्ट फॉर्म मत लिखना एग्जाम में। ये हो गया, और मेच्योरिटी भी लिखना है। मेच्योरिटी के पहले सरेंडर पेनल्टी दे देते हैं, ठीक है? अच्छा, सरेंडर में बोला है इन्होंने कि अगर कोई सरेंडर करता है, तो यहाँ इन्होंने लिखा था कि सरेंडर करने पे 20% पेनल्टी है। तो ये जो पेनल्टी है, ये हमारे लिए वेरी गुड, हमारे लिए इट्स अ प्रॉफिट, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सरेंडर सरेंडर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताना? सरेंडर प्रॉफिट तो पहले तो प्रोबेबिलिटी कौन सा लेंगे? ये वाला डिपेंडेंट रेट ऑफ सरेंडर, पूरे साल जिंदा रहा एंड में सरेंडर ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय दिस यूनिट फंड, मल्टीप्लाइड बाय जो परसेंटेजेस हम लोग को गिवन है। मतलब अगर पहला साल कोई सरेंडर करता है, तो उसका 20% ऑफ द बिड वैल्यू हम लोग का है, बाकी 80% देना है। तो जो 80% देना है वो चलो दे दिया, क्योंकि एनीवे जो यूनिट फंड है वो पॉलिसी होल्डर का है, वो आपका नहीं है। अब क्योंकि वो सरेंडर कर रहे हैं, आप 20% चार्ज कर रहे हो उसको, तो 80% आपने उसको दे दिया, 20% आपका प्रॉफिट। एनीथिंग ओवर एंड अबव द यूनिट फंड विच यू आर गिविंग इज अ कॉस्ट टू यू, एनीथिंग बिलो दैट यू आर गिविंग इज अ प्रॉफिट टू यू। ये कॉन्सेप्ट अगर जो समझ जाए, वो पूरा प्रॉफिट टेस्टिंग समझ जाएगा। यूनिट फंड 100 रुपया जो इकट्ठा हुआ है साल के एंड में, वो तुम्हारा नहीं है, वो पॉलिसी होल्डर का है। उससे ज्यादा 110 रुपए दे रहे हो, तो 10 रुपया आपका कॉस्ट है। अगर उससे कम दे रहे हो, वो आपका प्रॉफिट है। समझा? ड्रैग नेक्स्ट मेच्योरिटी नहीं, नीचे नहीं जाएंगे। मेच्योरिटी कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। शुरू के दो आंसर्स मैच हो रहे हैं, तो पूरे मैच होंगे। एग्जाम में किसको बोलोगी नीचे नीचे? मैम नीचे। मेच्योरिटी कॉस्ट
ये हम लोग का कौन सा पेपर है? 2019 दो किए हमने, 2020 एक किया, 21 एक, तो ये हम लोग का फिफ्थ पेपर है। फिफ्थ पेपर में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए धीरे धीरे। एकदम लास्ट जब सितंबर 23 करके इस क्लास से निकलोगे तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ निकलना। एटलीस्ट तुम लोग जो लाइव आ रहे हो उसको पास होना है, यहाँ पे और यहाँ पे। मेरे को चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, जो यहाँ पे मेरे ऑनलाइन में स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे यहाँ पे ऑफलाइन में स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को पेपर भी, पेपर ए का मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, पेपर बी में आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू गेट अबव 80, ऑल 1, 2, 3, 4, 5 ऑफ यू एंड जो यहाँ पे बैठे, ऑल ऑफ यू, तभी ये कर रहे हैं, वरना कोई मतलब नहीं है इसको करने का। समझ रहे हो? ये स्पीड लाओ अपने अंदर और कॉन्फिडेंस लाओ। मैच्योरिटी कॉस्ट बोलो तनीषा, क्या बोले क्वेश्चन में? दोनों के जिंदा रहने पे मिलेगा और कितना मिलेगा बिड वैल्यू पूरा? कितना? 110% ऑफ बिड वैल्यू। कितना मिलेगा बिड वैल्यू का? प्रोबेबिलिटी कौन सा लेंगे? सर्वाइवल वाला, मतलब, अच्छा रुको इधर जाना पड़ेगा फिर से, सर्वाइवल वाला मतलब के वाला कॉलम, ये वाला इनटू ये वाला कॉलम, फिर नेक्स्ट इनटू और क्या होगा? कितना परसेंट बोला मैच्योरिटी का? 102%। 100 रुपया तो 2% लेंगे, वेरी गुड। सो 2% इनटू 2% दिया है क्या इन्होंने इधर? कहाँ दिए? अच्छा नहीं दिए, तो एक काम करेंगे, जब भी कुछ नहीं दिया है लिखो मत 2%, इस पे यहाँ पे एक सेल में सेलेक्ट करी हूँ एक बार के लिए, फिर मैं जाके इस सेल में लिख दूंगी 2%। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया 6670.62। ठीक है, मतलब अगर वो लास्ट साल जिंदा रहा, बिड वैल्यू का 102% मिलेगा, तो 102, 100% से मतलब नहीं है, प्लस 2% से मतलब है, एक्स्ट्रा मैच्योरिटी कॉस्ट अपने निकालते हैं। नेक्स्ट अपने निकालेंगे प्रॉफिट वेक्टर। क्या बोला? कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। एंड नहीं कोई बात नहीं, बोलो प्रॉफिट वेक्टर बोलो क्या होगा? प्रीमियम प्लस माइनस एक्सपेंस प्लस एएमसी माइनस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट हो गया। लास्ट वाली नेगेटिव आ रहा है क्या? माइनस, हाँ देख लो प्रॉफिट वेक्टर, फिर खुद से निकालोगे प्रॉफिट सिग्नेचर, फिर डिस्काउंट, वो वाला कॉलम ऑलरेडी बना चुके हैं प्रोबेबिलिटी वाला, है ना, डिस्काउंट फैक्टर, फिर पीवी ऑफ प्रॉफिट्स या एनपीवी लिख लो, एनपीवी ऑफ कैश फ्लोज, फिर एनपीवी ऑफ प्रीमियम्स, बस ऊपर में टोटल टोटल करके प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। प्रॉफिट मार्जिन इज दिस इनटू प्रोबेबिलिटी, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 प्लस 1.5, नहीं एक है डिस्काउंटिंग रेट, ये आरडीआर 5% एब्सोल्यूट टू दी पावर माइनस टाइम लिया उन्होंने टाइम सब एंड योर कैश फ्लोज है, सो दिस इनटू दिस, है ना, सब एंड योर है क्योंकि प्रीमियम्स खाली स्टार्ट ऑफ द योर में मिलते हैं। और प्रीमियम कैसे निकालेंगे? पीवी ऑफ प्रीमियम इज पहला वाला ये हो जाएगा, दूसरा वाला
into premium into ये वाला into ये वाला, वेरी गुड, ठीक है। अरे एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ है हमारा। नहीं बट माई आंसर वाई इट्स नॉट मैचिंग 4-0। हाँ सही है, इट्स मैचिंग। अब इसका अपने सम ले लेंगे। प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है? आई पे काम करते हैं। थ्री पॉइंट फाइव फाइव आ रहे, करो। जिसका आ गया क्विकली रेज योर हैंड, मतलब रेज योर हैंड एज इन यस लिख दो। देखो तुम लोग क्या हो, कितना टाइम लगा हम लोगों को करने में। 10:20 पे भी स्टार्टेड, 11 o'clock हो रहे, 40 मिनट्स। ये तुम लोग खुद से करता 30 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट्स ही मैंने कुछ भी बोला है अफेक्टिवली। अगर तुम लोग देखेगा तो कितना कितना बड़ा क्वेश्चन है, 42 मार्क्स का, एंड उसमें तुम लोगों ने दिया 30 मिनट्स। बस देख लो सही है कि नहीं। अभी भी तुम लोगों का खत्म नहीं हुआ, मेरा खत्म हुआ। ये तो हो गया।
नीचे से तुम्हारा सेकेंड ईयर में 95% है, 100% है. आ गया सबका नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं नहीं कर लेगा अपने एंड पे. थर्ड क्वेश्चन रीड करो. द एक्टुअरियल देखो यस लिख गए 5-6 लोगों ने, हो गया मतलब. अब क्या, एक मिनट गिन के, एक मिनट. 11 हो रहा है अभी, 11:01 पे स्टार्ट करेंगे. किसका किसका नहीं हुआ रेज योर हैंड. कीर्ति ठीक है. एक्चुअरियल तुम लोग आई. थर्ड क्वेश्चन से एन एक्चुअरियल टीम हैज बीन टास्क्ड. सबका हो गया ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स. किसका किसका बचा है रेज योर हैंड्स क्विकली. रेज योर हैंड्स. ओहो डल बोरिंग लेजी स्टूडेंट्स. पता नहीं अजीब टाइप का लोग है, कोई रिप्लाई ही नहीं करे. क्या कर रहा पता नहीं. कल वो अनंत अंबानी का वो आया है ना जामनगर में, उन लोग का वो एलिफेंट का करके दिखा है. उन लोग को एलिफेंट्स को पॉपकॉर्न फीड करते हैं हम लोग एज अ ट्रीट. सो बेसिकली वहां पे सब इंजर्ड एनिमल्स आते हैं एलिफेंट्स. तो जो इंजर्ड हो गया उसको मेडिकेशन मिला. जैसे नहीं होता था बचपन में कि जब इंजेक्शन लगाते थे तो डॉक्टर एक टॉफी देता था. हाँ जाके देखो जा. तुम लोग भी वैसे एलिफेंट्स हो ठीक है. तुम लोग भी एलिफेंट्स हो. तुम लोग को भी क्या चाहिए, हर एक सम के बाद थोड़ा तुम लोग को ब्रेक चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, पॉपकॉर्न खाना है तुम लोग को. एन एक्चुअरियल टीम हैज बीन टास्क्ड with building a model to evaluate the impact of a change in interest rate on the value of the bond. Question ko jab padhe aisa padho ki 10 baar nahi padhna pade, ek baar mein hi samajh aaye. A student in the team has constructed 2 models. The result of the models, ye jo question tha is question ko mark kar lena. Ye question tum log ko fir se revise karna hoga. Very good question, one of a kind. Tum, I think ye syllabus se hat gaya par. तुम लोग का वो है चैप्टर 1 मॉडलिंग है, स्टेप्स ऑफ मॉडलिंग. चैप्टर 2 चैप्टर 1 के है तुम लोग का. तुम लोग का स्टेप्स ऑफ मॉडलिंग है, स्टेप्स ऑफ एक्चुअल मॉडलिंग. हट गए क्या. Explain the limitations of each of the 2 models on the basis of calculations and results. You are not expected to validate the accuracy of model. तो ये तुम लोग का हट गया क्या. देखो तो एक बार. भाई ये क्या नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा. मतलब ये तो समझ में आएगा. We can discuss this as a part. ये I think bonds का chapter का है. तो इसमें जो तुम्हारा modeling part है उसके अलावा अपने बाकी चीज को डिस्कस कर सकते हैं ठीक है. तो क्वेश्चन में बोल रहे देर आर 2 मॉडल्स ठीक है, मॉडल 1 एंड मॉडल 2. एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ ईच ऑफ द मॉडल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट्स शोन इन दीज वर्कशीट्स. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी फर्दर कैलकुलेशन. यू जस्ट नीड टू डिस्कस द मॉडल. 12 मार्क्स का मतलब 6-6 मार्क्स मिलेगा आपको. सो यू नीड टू जस्ट डिस्कस द मॉडल, मॉडल 1 एंड मॉडल 2 कि क्या रिजल्ट्स है और कैसा मॉडल बिल्डिंग है, क्या उसमें गलती करा, क्या लिमिटेशंस है, सब कुछ आपको डिस्कस करना है. तो पहला मॉडल में आपको क्या दिख रहा है देखो बताओ.
देखो एक है वैल्यूएशन डेट दिया हुआ है, मेच्योरिटी डेट दिया हुआ है, 10 साल का बॉन्ड है, कूपन रेट दिया हुआ है, सेमी एनुअल है, बॉन्ड का प्राइस दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट बेसिस पॉइंट्स ये तुम लोग इग्नोर करो एक बार, ठीक है, चेंज इन द मार्केट वैल्यू। तो अब हम लोग चेंज इन द मार्केट वैल्यू इज बेसिकली समझो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं बहुत सारे, कैश फ्लोज एवरी 6 मंथ हो रहा है, देख लो मंथली कैश फ्लोज दिया हुआ है। पीवी 01 का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकाला गया है और 1 बेसिस पॉइंट का चेंज है, मतलब पीवी 01 तुम लोग पढ़े हो, PV01 का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू व्हेन देयर इज अ चेंज इन बाय 1 बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट मतलब होता है आपका 0.01% इज योर 1 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर तुम्हारा देखो ना 2.02 हो गया ना सारा, जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग स्पॉट रेट, तुम लोग रेडिंगटन थ्योरी पढ़े हो उसमें तुम लोग क्या पढ़ते हो कि वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट होता है ऑन पीवी। PV01 इज अ टर्म विच वी यूज इन SP5 SA7। सो इसमें क्या होता है, हम लोग बोलते हैं चेंज इन योर प्रेजेंट वैल्यू बाय 1 बेसिस पॉइंट चेंज इन द डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर इंटरेस्ट रेट। यहाँ आपको स्पॉट रेट गिवन है, अब ये स्पॉट रेट अगर 1.01 मतलब 0.01%, नॉट 0.01 का मतलब होता है 1%, बट मैं बोल रही हूँ 0.01% विच इज इक्वल टू वॉट 0.0001। तो 2.01 अगर स्पॉट रेट है उसमें 0.01% का मतलब 2.2% हो गया। तो ये इन्होंने खाली PV01 निकाला है, का वैल्यू निकाला है, दे हैव नॉट कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट पीवी अमाउंट, दैट इज व्हाई इसमें खाली इन्होंने 1% ये ऐड किया है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है एट डिस्काउंटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट वैल्यू एट दिस स्पॉट रेट, एंड ये जो PV01 डिस्काउंटिंग फैक्टर है ये है आपका सेकेंड वाले पे, समझ लो। एंड ये तुम लोगों का चेंज इन मार्केट वैल्यू कैलकुलेटेड एट दीज टू, मतलब समझो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू NPV निकाल रही हूँ एट दिस रेट एंड NPV निकाल रही हूँ, पहले तुम लोग यॉन करना बंद करो क्लास में इतना जोर जोर से, एक जन और यॉन किया मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगी, पानी पीते रहो मैं क्लास में, एक जन भी और यॉन नहीं करेगा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटेड एट द स्पॉट रेट, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटेड एट PV01 अलग आएगा, किसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा, स्पॉट रेट वाले का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना कम प्रेजेंट वैल्यू उतना ज्यादा। तो उन दोनों को माइनस करके चेंज इन मार्केट वैल्यू लिखा है, मतलब इफ देयर इज अ चेंज इन द स्पॉट रेट्स बाय 1 बेसिस पॉइंट व्हाट इज द चेंज इन द मार्केट वैल्यू, दिस इज द चेंज, दिस इज द चेंज, ठीक है। मतलब तनीषा थर्ड टाइम इन 1 आवर पानी पियो, मैं क्लास से बाहर कर दूंगी, अब यू हैव टू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट एंड कम फॉर द क्लास। तो ये क्या हो रहा है, आपका मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, दिस माइनस दिस, तभी तो पॉजिटिव फिगर आ रहा है। तो हमारा मार्केट वैल्यू इफ देयर इज अ 1 बेसिस पॉइंट चेंज ये आ रहा है, ये पूरे इस मॉडल का मीनिंग है। सेकेंड मॉडल में सेम बेसिस है, खाली आपका शायद ये जस्ट वैल्यूएशन समझो क्या किया है, इधर पे इन्होंने ये निकाला है, बॉन्ड का प्राइस दिया हुआ है जो कि इधर भी गिवन था, मार्केट वैल्यू एवरीथिंग इज गिवन, ये इन्होंने चेंज इन मार्केट वैल्यू जो निकाला है ये VBA से यूज करके निकाला है, इसका बैक एंड क्या है हमें नहीं पता, इट्स अ ब्लैक बॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉक्स, जिसके पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, यू जस्ट सी द आउटपुट, यू डोंट सी व्हाट इज हैपनिंग एट द बैकग्राउंड विच इज नोन एज ब्लैक बॉक्स। नाउ इतने डिटेल में हम लोग के सिलेबस में अभी हट चुका है, बट हम लोग क्या क्या बोलते हैं एक बार क्विकली लेट्स रीड सो दैट यू नो एटलीस्ट एक आइडिया रहे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू विल बी स्टडिंग इन योर लेटर CS चैप्टर, CS2 में पढ़ोगे आप लोग। देखो बोथ द मॉडल्स रिलाई हेविली ऑन द डेटा, अगर डेटा गलत है हम लोग बोलते हैं गार्बेज इन
ऐसे करो, ऐसे ऐसे मेरे तक नहीं आना चाहिए तुम्हारा बड़ा समूह। मॉडल, बोथ द मॉडल्स रिलाई ऑन द डेटा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, समझ रहे हो? तुम लोग अपने अंदर गार्बेज भरोगे तो बाहर भी गार्बेज ही निकलेगा, ये वैसा ही लॉजिक है। तो डेटा गलत है, मतलब अगर ये स्पॉट रेट्स गलत है तो आपका आंसर भी गलत आएगा, अगर आपका मॉडल गलत है तो आपका आंसर भी गलत आएगा। देर इज नो एविडेंस, मॉडल का अजम्पशन चेक हुआ है कि नहीं, कंप्यूटर का कोड चेक हुआ है कि नहीं, इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं है। मॉडल वन का लिमिटेशन ये है कि हम लोग बोल रहे हैं कि 10 साल, 10 साल इज अ लॉन्गर टर्म बॉन्ड है ना, उसमें हम लोग खाली बोल रहे हैं हाफ ईयरली कूपन है, कूपन रेट आपने फिक्स कर दिया है एंड आपने स्पॉट रेट हो सकता है चेंज हो, बट आपने अभी के लिए स्पॉट रेट सारे फिक्स कर दिए हैं। देर इज सम कम्फर्ट कि एटलीस्ट हमें समझ में आ रहा है कि आउटपुट कैसे आ रहे हैं। मॉडल टू इज अ ब्लैक बॉक्स जहां हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है? ये सब बेसिक मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है जो आप लोग सीएस टू में पूरा घुस जाओगे। इसमें हम लोग पूरा मॉडलिंग पढ़ते हैं सीएस टू में, वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल फ्यूचर इवेंट्स, मतलब आप खाली 1% बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट का चेंज ले रहे हैं, यू आर नॉट इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर नॉट इंक्लूडिंग चेंज इन स्पॉट रेट, यू आर नॉट इंक्लूडिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन अ स्पॉट रेट, यू आर नॉट इंक्लूडिंग, यू आर नॉट इंक्लूडिंग कोविड ओवर हियर। द डेंजर ऑफ स्प्यूरियस एक्यूरेसी गिवन द आउटपुट फॉर द ईच मॉडल इज नॉट आइडेंटिकल फॉर द सेम इनपुट्स, इट कुड बी आर्ग्यू दैट कोटिंग टू द नियरेस्ट पेंस इज अनअप्रोप्रिएट। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों मॉडल का जो आउट इनपुट्स है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है एंड हो सकता है आउटपुट भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, तो देर कैन बी स्पूरियस एक्यूरेसी अगेन नॉट देर इन योर सिलेबस, नो डॉक्यूमेंटेशन इज डन, मतलब प्रॉपरली स्टेप्स कहीं भी लेड आउट नहीं है, नॉट कम्प्लीटली देर इन योर सिलेबस, बट देन अगेन वी जस्ट टुक अ क्विक रिविजन। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, रीड करो। Couple are buying a house and have taken out a special first time buyer mortgage which allows for the lower payment in the earlier years. मतलब एक नया कपल है, नया नया शादी के नया नया घर ले रहे हैं, first time mortgage ले रहे हैं, initial जो उन लोग repayment करेंगे वो कम होगा क्योंकि initially उन लोग उतना नहीं कमा रहे, जैसे जैसे उन लोग का earnings increase होगा वैसे वैसे उन लोग ज्यादा payments करेंगे। The mortgage of 3 lakh has a term of 30 years for the first 6 months. No repayments are made, although interest still accrues on the loan. इसका क्या मीनिंग है तनीषा? 6 months में repayments नहीं है, लेकिन 6 months interest वो definitely accrue होगा. Interest only repayment are due from this point, मतलब 6 months से start हो रहे हैं until the end of the third year. इसका क्या मतलब हुआ? Interest only का मतलब? खाली इंटरेस्ट पे तो कैपिटल डिडक्शन नहीं होगा बिल्कुल, खाली इंटरेस्ट पे आउट होगा, नहीं एडिशन भी नहीं होगा। जितना इंटरेस्ट तुम्हारा इस साल स्टार्टिंग में था कैपिटल एट द स्टार्ट 100 रुपीज, उसमें 10 रुपीज इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ, तो एट द एंड ऑफ द ईयर तुमने 10 रुपीज दे दिया तो 100 का 100 ही रह गया, कैपिटल रीपेड उतना ही रहेगा, कैपिटल रीपेड नहीं चेंज होगा, तो कम बढ़ेगा कैसे? क्यों बढ़ेगा कैपिटल? इंटरेस्ट ओनली हो रहा है तो 6 महीना, पहला छह महीना तक नहीं हो रहा है ना खाली, तो पहला 6 महीना तुम्हारा पहला 6 महीना खाली नहीं बढ़ेगा। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही है? तो इन लोग यॉन कर रहे हैं क्लास में, जब से इन लोग प्रॉफिट टेस्टिंग नहीं कर पा रहे। हाँ पता है, ये वंशिका पार्ट टू है। पहला 6 महीना अब सोचते रहो, 1 - 2 क्या? पहला 6 महीना इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट इज गेटिंग एडेड ऑन द कैपिटल, तो तब आपका कैपिटल भर है। आफ्टर 6 मंथ्स तो जो इंटरेस्ट है वो आप पे कर दे दो, 100 रुपया मेरा था, 10 रुपया का इंटरेस्ट है, 10 रुपया पे कर दिया, तो लास्ट में कितना बचा? 100 बचा ना, कैपिटल क्यों बढ़ेगा? आफ्टर द एंड ऑफ द थर्ड ईयर अप टू द एंड ऑफ द टर्म लेवल पेमेंट्स आर ड्यू सेट एट अ लेवल सच दैट द मॉर्गेज विल बी रीपेड, मैंने
तीन साल जैसे ही खत्म, उस समय जो आपका कैपिटल आउटस्टैंडिंग है उस पे हम लोग को लेवल पेमेंट्स निकालना है, ताकि आफ्टर 30 इयर्स पूरा हम लोग का कितना हो जाए, जीरो. ऑल रीपेमेंट्स आर मेड मंथली इन अरियर, मंथली है ठीक है, नॉट ईयरली. तो हम लोग को मंथली निकालना है 13 × 12. इंटरेस्ट इज ड्यू, इफेक्टिव रेट है 4.5, तो हम लोग को I 12/12 निकालना पड़ेगा. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच मंथली रीपेमेंट विदाउट यूजिंग अ सिनेरियो सॉल्विंग टूल सच एज गोल सीक और सॉल्वर. बहुत मेहनत की होगा पता है, ये है ना, इसमें जंक लग गया. जंक हटाने के लिए मम्मी लोग, एक सेकेंड, जंक निकालने के लिए मम्मी लोग क्या करती है पता है, एक सिल्वर क्लियरिंग आता है, उसको जोर जोर से रगड़ती है ठीक है, वो रगड़ने के बाद भी कुछ जंक बच जाता है. तो अभी हम लोगों ने 5 पेपर किया, मैंने बहुत रगड़ा तुम लोगों को, तुम लोग का अभी भी जंक बच रहा है, वो बचेगा तुम लोगों का. कंस्ट्रक्ट द लोन शेड्यूल, तुम लोग को पता है यहाँ क्या निकालना है, खाली 3 साल के बाद का कैपिटल आउटस्टैंडिंग. फिर क्या निकालना है, ए ड्यू नहीं, A 27/12 आ जाएगा लेवल पेमेंट्स. पढ़ती क्या बोलते हैं बेटे, मैम डिफिकल्ट है, सोचते नहीं हूँ ना लाइक. हाँ चलो करना स्टार्ट करो, डिफिकल्ट है, ये है वो है, माइंडसेट ही गलत है. चलो देखो हेडिंग्स नहीं दिया हुआ है, ओ चलो स्टार्ट. हम लोग का इनिशियल कितना लोन है, कितना, 3 लाख बस, वो खाली ना. नेक्स्ट कितना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट 4.5%. नेक्स्ट क्या निकालना है, मंथली, मतलब हम लोग को निकालना है I 12/12 निकाल लो. I 12/12 कैसे निकलेगा, नहीं करना हो ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग को लोन आउटस्टैंडिंग निकालना है आफ्टर 6 मंथ्स, कितना होगा आफ्टर 6 मंथ्स, दिस इनटू, भाई कैसे निकालेंगे वो बता, 1 + I, तुम लोग देख नहीं रहे, फिर तुम लोग बोलेगा मैम कैसे किया, मैम उस सेल पे लेके जाइए, मैम इस पे लेके जाइए, उस पे लेके जाइए ठीक है. 6 साल पूरा आगे ले गए, 6 साल का, इट्स द सेम थिंग, तुम लोग सॉरी 6 महीना, तुम लोग 1 + I 12/12 होल टू दी पार्ट 6 भी कर सकते थे. देख लो जो पूछेगा उससे पहले मैं कर ही देती हूँ, तुम लोग के जैसे आई डोंट प्रोकास्टिनेट 6 ठीक है, सेम आया. उसके बाद हम लोग को करना है नेक्स्ट इंटरेस्ट ओनली पेमेंट्स होंगे फ्रॉम 6 से 3. क्या होगा वो इंटरेस्ट ओनली पेमेंट, इंटरेस्ट ओनली पेमेंट जो है उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे देवांश, तुम बहुत स्मार्ट है, वेरी गुड. I 12/12 दिस इज द, क्योंकि आपका कैपिटल, ये तुम्हारा 6 मंथ्स के बाद का कैपिटल अमाउंट है ठीक है. अब पहला साल I 12/12 इंटू पे, ये मंथली कर दो इसको, सॉरी ये मंथ है ना, मंथली इंटरेस्ट ओनली रीपेमेंट, तो इंटू I 12/12 करने से क्या हो जाएगा, पहला मंथ का इंटरेस्ट पे कर दिया, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ कितना बचा, फिर वापस 306675 यही बचा, फिर इसमें इंटरेस्ट पे कर दिया, तो कैपिटल अमाउंट नहीं चेंज हो रहा है, तो आपका ये जो इंटरेस्ट ओनली रीपेमेंट है ये सेम रहेगा. अब इसके बाद ये आ गया 30 इयर्स के बाद, सॉरी 6 इयर्स, 3 इयर्स के बाद, 3 इयर्स के बाद हमारा क्या रिवांश बोलेगा, कैपिटल क्या रहेगा, कैपिटल क्या रहेगा, ये रहेगा कैपिटल जो 6 मंथ के बाद है वो ही तुम्हारा 3 साल के बाद रहेगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट था तुमने पे कर दिया, तो कैपिटल अमाउंट नहीं चेंज हुआ, तो यही रहेगा. अब क्या निकालेंगे, आई एनुइटी अमाउंट निकालेंगे, एनुइटी कौन सा, ए, तुम लोग कैसे वर्क करना चाहते हो, मंथली, ए
27 12 निकाले, 8 27 मतलब 8 27 इंटू 12 क्या होता है, वो भी निकाल सकते थे डायरेक्टली। अरे मतलब योरली नहीं निकाल के मेरा भाई, 8 3 24 भी निकाल सकते थे, वो मैं बोल रही हूँ। तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस बी टू दी पार माइनस 27 डिवाइडेड बाय आई 12 होता है, ये मैंने निकाल रखा है आई 12 बाय 12, तो इनको इनटू 12 कर देंगे, तो ये आ गया एनुइटी। अब दिस फिगर डिवाइडेड बाय दिस, ये करने से तुम्हारा क्या आएगा, 12x आएगा ना, x आएगा, क्या आएगा ये जो डिवाइड करेंगे ये 12x आएगा कि x आएगा, तनिषा 12x आएगा कि 12 आएगा, दिस 306675 इक्वल्स टू 12x इंटू 827 12 करते हैं ना, तो ये फिगर करने से, मैंने यहाँ पे क्यों किया, ये वाला फिगर करने से क्या आएगा, 12x आएगा, 12x into 827 12 working in yours, so divided by 12 you get your answer. कितना टाइम लगा, तुम लोग पहले ही सोच लेते हो कि डिफिकल्ट है। क्या बोला मैंने, जंक टेक्स टाइम, खुद से पहले समझने की कोशिश करो एनुइटी क्यों गलत है, फिर आंसर देखना इधर। नेक्स्ट क्या बनाने बोला है, लोन शेड्यूल, एक बार खुद से ट्राई करो, अभी हो रहा है 11:20, आई विल गिव यू एग्जैक्टली 5 मिनट्स, 11:25 पे आई विल कम एंड चेक, सब लोग करो यस। पहला साल 3 साल तो रिटेनमेंट हो रहा है, थर्ड से देते हैं क्या वाला, ट्वेल्व इंटू वाला जो है वो रिटेनमेंट हो रही है, 60 तक जा रहा है, रिटेनमेंट स्टार्टिंग से होकर आ रहा है, सॉरी हम इसको बोल रहे हैं Thank you.
कैपिटल रिपेट तो पहला 3 साल ही हो रहा है ना पूरे, तो से ही करेंगे हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ तो सिर्फ इंटरेस्ट रिपेमेंट पहले छह महीना कुछ नहीं हुआ उसके बाद खाली इंटरेस्ट हो रहा है 36 7 0 7 3 6 0 पहला 3 से 0 3 साल ही महीने में अगर चार के लिए 6 महीना पहले 0 सातवां महीना में आप लोग हमारा पहला 3 साल तक रिपेड कैपिटल रिपेड सब 0 3 साल तक 36 तक कैपिटल रिपेड कैसे घर पे लिखा इंटरेस्ट ड्यू तो आएगा पर इंटरेस्ट ड्यू हमारा 6 महीने से लेके ईयर से लेके 36 तक आएगा मतलब 6 to 36 रिपेमेंट तो इंटरेस्ट ड्यू तो लेकिन टाइम 0 से आएगा नहीं इंटरेस्ट तो ड्यू हो ही रहे तो देना 6 महीने की बात करें ना लिखा बंद कर देंगे अरे तो क्या हुआ सब हो गया जी कौन से के हम पूरा हो पेमेंट में आप कहां पे रिपेमेंट हो भी नहीं रहा है इंटरेस्ट की जितना कोई तो पैसा दे रहा है इंटरेस्ट जितना आ रहा है स्टार्टिंग से ये बना रहे बट ये दोनों का जो अमाउंट है तो मैच करना पड़ेगा इंटरेस्ट ये देखो हम कैसे कर रहे पैसे मेरे को समझ में आया वैसे देखो यहाँ तक ये तो मैच करना पड़ेगा ये तो मैच करना पड़ेगा
हो गया तो अगर खुला तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो बोलो बोलो कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाली, अरे क्या हो गया ये, नेक्स्ट वाली शीट में अच्छा हो इन्होंने बना के दिया हुआ है। लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट क्या होगा पहले वाले शीट, तब तुम क्या किए, यही होता है स्मार्टनेस। 3 लाख रीपेमेंट कैसे होगा, जीरो होगा पहला 6 महीना, अभी क्वेश्चन मैं नहीं ले सकती, रुक जाओ पहले लेट मी फिनिश। इंटरेस्ट ड्यू इज दिस इनटू बाय 12, आई 12 बाय 12। कैपिटल रीपेड इज हाउ मच, लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट माइनस रीपेमेंट माइनस, कुछ नहीं होगा तो ये बार करके छोड़ो ना, एक बार कैपिटल रीपेड नेगेटिव आया ना, हाँ तभी नेगेटिव आया मेरे भाई। अब क्या करते हैं, लोन एट द स्टार्ट इज दिस माइनस, हाँ माइनस ही करते हैं तो ऐड हो जाएगा, खत्म। अब तुम्हें पता नहीं क्या अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, ये हो गया जिसदैट। यहाँ पे रीपेमेंट में नेक्स्ट जो 7 से लेके होगा वो ये होगा, इसको फिक्स कर दो, या फिर इसको तुम लोग ये भी कर सकते हो, ये वाला इंटरेस्ट के इक्वल, एक सेकेंड रुकना, मैंने आई थिंक इधर एब्सोल्यूट नहीं किया ना इसीलिए ऐसा हो रहा है, एक सेकेंड रुको। क्या क्या था इंटरेस्ट ओनली रीपेमेंट का अमाउंट, यही था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल्स टू ये कर दिया है, ठीक है। एक बार देख लो तुम लोग इक्वल्स टू ये किया, तुम लोग इक्वल्स टू वो वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला, और इसको भी एब्सोल्यूट, इट्स द सेम थिंग। एंड ये जाएगा आपका कहां तक, 36 तक, 3 इयर्स है ना, 36 तक इफ लगा सकते हो, ड्रैग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर एंड जो फर्स्ट फर्स्ट वाला है उसको हाईलाइट कर देंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा ये वाला, इसको एब्सोल्यूट करके इसको मैं इसमें इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं ड्रैग, एंड इफ यू वांट टू लाइक जस्ट हाईलाइट तो ये वाला एक हाईलाइट कर दो ताकि पता रहे, एंड ये वाला एक हाईलाइट कर दो, एंड ये वाला एक हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो 3 चेंजेस है, लास्ट वाला मेरा आना चाहिए 0। क्या सिंपल है, अभी क्लियर है, मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा जो भी मिस्टेक है, एग्जामिनर नहीं सुनेगा तुम्हारा, एग्जामिनर इज क्रूअल। द कंडीशंस ऑफ लोन परमिट बोरोअर्स टू मेक एडिशनल पेमेंट्स, अब समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है इधर, कि अब हम लोग बोलते हैं कि जो बोरोअर्स हैं वो एडिशनल पेमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टर्म ऑफ द मॉर्गेज वो कर सकते हैं। दीज एडिशनल पेमेंट्स कैन बी मेड वंस ईच ईयर एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या बोला है, एडिशनल रीपेमेंट हम लोग वंस इन अ ईयर ही कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर, तो पहला साल को छोड़ के सेकेंड ईयर से आप एडिशनल रीपेमेंट कर सकते हो ओवर एंड अबव द रीपेमेंट विच यू आर मेकिंग। 10% ऑफ द कैपिटल आउटस्टैंडिंग एज डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ऑफ पेमेंट द ओरिजिनल रीपेमेंट, ऐसा मेरे को क्यों पता नहीं फील हो रहा है कि इस टाइप का सम हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग यही सेम सम कर चुके हैं, क्यों ऐसा फील हो रहा है मेरे को पता नहीं। द ओरिजिनल रीपेमेंट इंक्लूडिंग द रीपेमेंट इन द फर्स्ट 3 इयर्स विल नॉट चेंज बट द टर्म ऑफ द मॉर्गेज विल रिड्यूस, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप अर्ली रीपेमेंट कर दोगे तो आपका टर्म ऑफ द मॉर्गेज विल गो डाउन, हाँ कि ना, है ना। द ओरिजिनल रीपेमेंट शेड्यूल विल रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट फॉर द टर्म
the couple decided to make additional repayment to reduce the term as much as possible. So maximum, determine the flashback, determine the shortest. ये अभी हमने किया है इस टाइप का सिमिलर सम कुछ याद है लोन शेड्यूल का ही किया है. Determine the shortest possible term that can be achieved. उसमें था maximum possible reduction ऐसा कुछ करके था. सेम समय. सो डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टर्म. अब हम लोग अगर एवरी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एवरी ईयर 10% ऑफ द कैपिटल आउटस्टैंडिंग रीपेमेंट करेंगे क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम तो हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टर्म मिलेगा हमें. जितना जल्दी आप रीपे करोगे टर्म उतना ज्यादा कम होते जाएगा. अब इन्होंने बोला है कि ये वाला आपको छेड़ना नहीं है, ये आपको ऐसे ही रखना है. सो हम लोग क्या करेंगे इसका एज इट इज पूरा ऑल्ट ईएम कर लेंगे. इसमें आप लोग कुछ कुछ चेंजेस करोगे, जैसे ये क्वेश्चन 3 वर्किंग्स है, ये कॉपी पेस्ट, बाकी शीट का नाम चेंज, उसके लिए इसको डिलीट एंड इसका नाम चेंज. ठीक है, अब देखो यहां पे आपका रीपेमेंट आ गया. एक हम लोग कॉलम बना लेंगे इधर पे, पहले देख लो, मैं रिपीट नहीं करूंगी हजार बार. एक हमारा यहाँ पे एडिशनल रीपेमेंट का कॉलम बन जाएगा जो एवरी ईयर के स्टार्ट में होगा एक्सेप्ट द फर्स्ट ईयर. इंटरेस्ट वैसे ही होगा, कैपिटल वैसे ही होगा, लोन आउटस्टैंडिंग भी वैसे ही होगा. हम लोग को चेक करना है एंड ऑफ टर्म कब हो रहा है एग्जैक्टली. ठीक है, ओके. अब एडिशनल रीपेमेंट कैसे निकालेंगे बताना एक बार. ये कब से स्टार्ट हो रहा है एडिशनल रीपेमेंट? यहां से टाइम 13 से स्टार्ट हो रहा है. तो एक फंक्शन लगाओ जो टाइम 13, 25, 37 हर ईयर के स्टार्ट में हो वैसे. तो क्या फंक्शन लगा सकते हैं बताओ? If month equals to 12. सोचो पहले दो मिनट, खाली जो आता है उसको बोलो मत. इंटीजर ऑफ व्हाट? 13 माइनस 1 करेंगे बाय 12, तो इससे क्या होगा? 13 माइनस 1 इज 12, 12 बाय 12 इज 1. तो ये मतलब अगर ये क्या है, इफ दिस इज व्हाट, इफ दिस इज एन इंटीजर, सो इफ यू कैन डू दिस, दिस माइनस दिस बाय 12. समझ रहे हो इसका मीनिंग क्या हुआ? 13 माइनस 1 बाय 12 क्या होता है? 13 माइनस 1 कितना होता है? 1 हुआ, सो 1 इज इक्वल टू 1. अब नेक्स्ट वाले सेल में क्या होगा? 14 माइनस 1 इज 13, 13 बाय 12 इज 1 पॉइंट समथिंग. तो इंटीजर ऑफ 1 पॉइंट समथिंग इज 1, बट इट इज नॉट इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग. तो ये नॉट इक्वल टू हो गया ना. तो अगर ये इक्वल टू है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट पेमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज 0. And you drag. You can drag ऊपर भी, पहले वाले में नहीं क्योंकि ये purposely zero है. दो, 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 दो. अच्छा, ये integer मैंने पूरा नहीं लिया ना function. ये अब कैसे समझ आएगा? With practice. अब देखो
25 पे कर रहे हैं 37, और ये तीनों सेम अमाउंट है क्योंकि पहला तीन साल कैपिटल अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, फिर 49, फिर 61, अभी ये सेम है बट ये चेंज हो जाएगा बहुत जल्द। एक बार अगर प्लीज ध्यान दो क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, आप लोग जो कर रहे हो ना एक एक करके मैं नहीं रिपीट करूंगी, प्लीज वीडियो देख लेना। अब ये है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कैसे कैलकुलेट हो रहा है उस पर कोई चेंज नहीं है, कैपिटल रीपेड जो है इसमें देयर विल बी अ चेंज। कैपिटल रीपेड आप खाली रीपेमेंट माइनस इस करे थे, बट अब रीपेमेंट में आपको ये वाला कॉलम को भी एड करना होगा, सो एड एडिशनल रीपेमेंट एंड देन यू जस्ट ब्रैकेट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ये हो गया आपका कैपिटल रीपेड। तो अब यहाँ पे भी देर इज अ कैपिटल रीपेड, इसके बाद भी देर इज अ कैपिटल रीपेड हैपनिंग। जिन लोगों ने यहाँ पे रीपेमेंट फिगर इक्वल्स टू इंटरेस्ट करके किया था वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो रीपेमेंट फिगर है इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम द सिक्स मंथ ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स द लास्ट, मतलब पूरा थर्ड ईयर के लास्ट तक, दिस इज कॉन्स्टेंट वॉट वी कैलकुलेटेड इन पार्ट वन, सो दिस इज नॉट चेंजिंग। मैंने इसका नॉर्मली इक्वल्स टू करके वो किया था तो ये मेरे लिए सेम है। अब इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका कैपिटल रीपेड विच इज दिस, ठीक है, एंड लोन अमाउंट एट द एंड हो जाएगा आपका, इसमें देयर इज नो चेंज। अब एक पॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो गया है। देखो यहां से इट इज गोइंग नेगेटिव, मतलब 144 मतलब कौन सा ईयर हुआ, 144 मतलब कौन सा ईयर हुआ, 12th ईयर। मतलब अब देखो अगर इसमें हम लोग देखे 143 के एंड पे हमारा लोन आउटस्टैंडिंग है 1289 12th ईयर के स्टार्ट में, मतलब सॉरी 12th ईयर का दिसंबर में, 12th ईयर का दिसंबर लास्ट मंथ, 12th ईयर का जो लास्ट मंथ है उसमें हमारा कैपिटल एट द स्टार्ट इज 1289, उस पे हमारा इंटरेस्ट इतना आ रहा है, हमने इतना रीपेमेंट पूरा कर दिया एंड इट्स गोइंग नेगेटिव, तो हमने रीपेमेंट एक्चुअल में ज्यादा करा है, जितना करना चाहिए था उससे मे भी हमने ज्यादा रीपेमेंट कर दिया वॉट एवर, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चला जाएगा। सो दिस इज द टाइम when it will be paid off and how much will you pay, you will pay this plus interest, yahi to aapka interest column hai na, nahi sorry ye interest column nahi hai, interest column ye wala hai, ha 4 wala, so you will pay only 1289 plus 4 but we are paying 1620 which is very high, to isliye it's going negative, to hum log kitna pay karenge 1289 plus 4.74, they have not asked what is the amount of last repayment, they have just asked ki term kya hoga, this will be the term, to hum log ko if statement dalna hai idhar ki if dekh lo and if and main likh rahi hu, this is negative less than 0 and iske upar wala is positive, matlab wo positive se negative gaya hai, to hum log ko nikal lena hai month, otherwise hum log ko rakhna hai blank, isko niche tak ekdam ड्रैग कर देंगे एंड यहाँ पे वी विल एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम ऑफ द कॉलम एंड यू विल गेट 144 मंथ्स, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय 12 इयर्स, ठीक है। मैम वो एक बार बताओ ना, मेरा वो कैपिटल रिपेट करने से रीपेमेंट अमाउंट चेंज हो जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा मैंने बोला ना रीपेमेंट में तुमने जो यहाँ पे रीपेमेंट लिया है ये तुम्हें पार्ट वन शीट वन का ये वाला फिगर 1126 लेके एब्सोल्यूट करना था, मे बी तुमने क्या किया, तुमने इंटरेस्ट कॉलम लिया है, यस और नो, यस मैम, इसीलिए आई फील ये पेपर हमने कर लिया है, तुम हमें से दोबारा करवा रहे हो, वाला
फिर भी तो तुम लोग नहीं कर पाए मैम, एक्स्ट्रा सम मिलेगा, सारे सम हो गए। मे बी ये गलत नहीं है, इसके क्या किया क्लियर? किसी ने अभी जो डाउट पूछा था क्लियर है? हाँ हाँ यस मैम। डन ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। रीड करना स्टार्ट करूं और खुद से करने का कोशिश करूं। क्लियर हुआ क्या क्या चेंजेस था? इंटरेस्ट जो रीपेमेंट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा,
तीन साल जो हमने निकाले, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट कॉलम से उसको जो लिंक किया था तो वो चेंज कर देना, ठीक है. कैपिटल रीपेड में कंसिडर द एडिशनल रीपेमेंट एज वेल, दैट्स द ओनली चेंज, नथिंग एल्स. नेक्स्ट कम टू फर्स्ट, ऑल ऑफ यू डन? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली गिव मी अ यस. नयन, चंचल, नैनिका, मिताली, डोली, डॉली, उदय, जयवीर, काशवी, तीर्था, प्रशिता, हेतवी, विनीशा, और भी बहुत लोग हैं, नॉट टेकिंग द नेम, मेरी स्क्रीन के बाहर है. सब यस लिखा है. चलो 20 मार्क्स. 20 मार्क्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए तुम्हें, कितना टाइम दिया जाए बताओ बसंती. 15 मिनट. चलो, अ 1 ईयर टर्म अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अ डेथ बेनिफिट ऑफ 1 ईयर का ही कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बताओ. 1 लाख पेबल एट द एंड ऑफ द मंथ है ईयर का, पर मिलेगा मंथ के एंड में, इसको हाईलाइट कर दिया जाए. टू अ लाइफ 870 एग्जैक्ट, मैंने 70 से 71 के बीच में वो अपना एक पॉलिसी ले रहे हैं. जिस महीना मरा उस महीना के क्या क्या बोलिए पैसा मिलेगा. कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अज्यूमिंग CFM. कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अज्यूमिंग UDD. अब एक बार यहां करके दिखाओ तो. एक बार बस सोचो, तुम लोग 2 कॉलम से ज्यादा अगर बना दिया आज, तुम लोग को हम मान जाएंगे. एज और मंथ छोड़ के, यही सब चीज में तुम्हारा दिमाग चलेगा. चलो बनाओ बनाओ करो मजाक. Set aside the jokes and please do this. You just have 15 minutes. आज हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के बादशाह कहलाएंगे. बादशाह कहलाएंगे. ऐसे मैं मिक्स कर देती हूँ डायलॉग्स पर. चलो. अरे आदित्य, इतना लैपटॉप को नहीं देखना है, स्टार्ट करो टाइप करना. तुम्हारा नाम क्या है? सब आदित्य लोग ऐसे ही होते हैं ना. एक मेरा CS2 में भी आदित्य आते हैं, वो भी ऐसे ही. माँ बाप ने नाम रखा आदित्य, ये हमारा नाम रोशन करेगा. बोलिए तनीषा, बोलो कहाँ से स्टार्ट करें. पहले थोड़ा इनपुट्स ले ले, क्या क्या डेथ बेनिफिट कितना है, फिर आई कितना है, आई बस पर मंथ. तो ये क्या है, मैंने I 12 by 12 है, या I अगर हम लोग मंथली वर्क कर रहे हैं, I 12 इफेक्टिव वर्ड यूज किया है क्या? वन % पर मंथ लिखा हुआ है ना, तो कमेंट ऑन द डिफरेंसेस. नहीं, इफेक्टिव ही है ये बेसिकली. अब हम लोग को Q70 भी दिया हुआ है. Q70 कितना है? 012 437 437. की तो दिमाग घूम गया क्या थोड़ा सा. बोलो मंथ. फिर एज. फिर
कॉन्स्टेंट रहेगा, अजम्पशंस नहीं लेंगे अपने. पहला वाला कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी है ना, कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी में क्यू एक्स कॉन्स्टेंट रहता है क्या हर महीना, मतलब हर मंथ 0.01247 CFM क्या कॉन्स्टेंट है, म्यू. CFM का मीनिंग बताएगा पहले, फुल फॉर्म नहीं, स्टेट द मीनिंग. फिश मार्केट गए थे क्या इसके पहले? हाँ कीर्ति बोलो. नहीं कीर्ति नहीं, तुम बोलो. आदित्य पार्ट टू, पार्ट वन पार्ट टू बोलो. CFM का मीनिंग तनीषा बताओ. CFM वो पर्टिकुलर ईयर में फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है. तुम जो बोला और ये जो बोली इसमें एक खाली डिफरेंस है, थ्रू आउट द ईयर वर्ड तुम यूज नहीं किया. सो बिट अब तुम लोग दोनों का डेफिनेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए. बिटवीन इंटीजर एजेस द फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी म्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ये सीख जाओ क्योंकि CS2 में भी काफी यूज आता है. तो इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ये हर जगह को काम आएगा. तो जस्ट ट्राई टू यू नो इनकल्केट दिस हैबिट के एटलीस्ट अच्छे से डिफाइन करो. अब हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है पीवी निकालने के लिए. अमाउंट, वी हैव अमाउंट 1 लाख, जब भी मरेगा 1 लाख मिलेगा. डिस्काउंटिंग फैक्टर विच यू कैन इजीली कैलकुलेट मंथली, ठीक है. नेक्स्ट चाहिए होता है मरने का प्रोबेबिलिटी. तो मरने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाए बोलो. मरने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाए, डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले निकाल लो. एज कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग एज क्या होगा, एज एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होगा, प्लस ये वाला हो जाएगा दिस प्लस 1/12 एंड यू ड्रैग. ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी 1 प्लस आई एब्सोल्यूट टू द पावर माइनस मंथ, क्योंकि ये एनीवेज क्यों बाय 12, आई ट्वेल्व बाय ट्वेल्व है. ठीक है, ये हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर. नेक्स्ट हाँ, फिर हम लोग को निकालना है हर महीना मरने का प्रोबेबिलिटी. तो हर महीना मरने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फिर से बोल, नहीं सुना. हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है कोई बताएगा, 1/12 QX ये निकालना है. तो 1/12 QX CFM में कैसे निकालते हैं, PX होता है. अगर 1/12 PX निकालना था तो PX टू दी पर 1/12 करते हो. वैसे QX निकालने के लिए 1 माइनस, ध्यान से सुनना, 1 माइनस QX टू दी पर 1/12, ये क्या आया, जिंदा रहने का. अब इसका भी 1 माइनस कर देंगे तो आएगा 1/12 QX क्या होगा, वापस से सुनना, वापस एक बार ध्यान दो. 1 माइनस Q70, इसको मैं एब्सोल्यूट कर रही हूं, टू दी पार 1/12, ठीक है ना. ये पूरा क्या है, ये है पहला महीना 1/12 PX है ये, तो इसका 1 माइनस कर देंगे. अब ये ऑब्वियसली सेम आएगा हर मंथ ऑन मंथ, ये तो सेम ही आएगा, इसमें कोई चेंज थोड़ी है. हाँ तो
सेम ही आया ना तुम्हारा, क्यू एक्स थोड़ी चेंज हो रहा है, क्यू 70 तो वही रहेगा। अब सुनो रुको, जो तुम सोच रहे करेक्ट, 2/12 नहीं होगा, 2/12 निकालने के लिए हमें यहाँ पे अलग से बनाना होगा। उस महीना जिंदा रहा, नेक्स्ट मंथ मरा, उस महीना जिंदा रहा, नेक्स्ट मंथ मरा। सो सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल टू स्टार्ट ऑफ मंथ एंड देन डेथ। In that month, ठीक है, survival to the start of that month, तो पहला साल जिंदा रहा, पहला मतलब time zero पे and मर गया, is actually देख लो equals to this, second में क्या होगा, 1 minus ऊपर वाला, which is what, कि पहला महीना जिंदा रहा into दूसरा महीना मर गया। नेक्स्ट वाला, ये वाला का क्या मीनिंग हुआ, ये जो मैंने यहाँ निकाला इसका क्या मीनिंग है, कि पहला महीना जिंदा रहा, दूसरा महीना मर गया। अब इसके बाद वाला कैसे निकालेंगे, एक चीज गलत हो रहा है, रुको। हाँ तुम लोग का भी सेम आ रहा है, आई थिंक डेसिमल्स इंक्रीज करने से चेंज हुआ क्या, नहीं ये गलत हो गया, इसमें हम लोग को अलग से निकालना होगा, क्योंकि द थिंग इज कि हम लोग को सेकेंड मंथ में मिल रहा है, उसका मतलब है पहला हम लोग को अलग से पीएफ निकालना होगा इसमें, क्योंकि 1 minus ये तुम नहीं कर सकती हो, इसलिए हमें को ये लग रहा था 1 minus ये करने का क्या मतलब हो जाएगा कि सेकेंड मंथ में मरा, पर तुमको रखना है नहीं पहला दो जिंदा रखना है, तो ये नहीं ले सकते, तुमको पीएक्स अलग से बनाना होगा। सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ कॉलम एंड इसमें रखो n/12 px, या फिर t-1/12 px, जहां पे मंथ को ले लेते हैं अपने t, ठीक है, मंथ t हो गया, t-1, तो पहला टाइम जीरो पे जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी इज 1 ओनली, एक बार देख लो फिर मैं रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट मंथ जिंदा रहने का क्या प्रोबेबिलिटी लेंगे, नेक्स्ट मंथ जिंदा रहने का इज 1/12, सो इट्स बेसिकली 1 minus दिस, इसको एब्सोल्यूट कर दिया 2d power। अब इसको मुझे ड्रैग करना है, कॉन्स्टेंट रखना है, तो पहला महीना अगर मैं बोल रही हूं हम लोग को पीएक्स गिवन है, सॉरी हाँ ये पीएक्स हो गया, ये वाला p70 हो गया, p70 2d power 1 करेंगे तो 1p 1/12 p70 आया, ऐसे ही होता है ना, अगर हम लोग p70 2d power 1/12 करेंगे तो 1/12 p70 आया, फिर p70 2d power 2/12 करेंगे तो 2/12 p70 आया, तो वो 2d power 1/12 2/12 3/12 ऐसे करना है। तो ये वाला वैल्यू, पहला वैल्यू क्या रखना है हम लोग को, 1/12, तो दिस माइनस ये क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड, दिस वैल्यू -1/12, हाँ ठीक है ऊपर वाला भी कर सकते हैं /12, तो अब इससे हो क्या रहे, 1/12 p70 2d power 1/12, तो 1/12 p70 आ गया, वापस 1p70 2d power 2/12 3/12, ये चीज होगा, अच्छा हाँ नहीं तो फिर वो लेगा नहीं,
अब यहाँ पे ये जो अकाउंट पे ले रहे हैं इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। पहला साल मरने का तो यही हो जाएगा, सॉरी पहले साल मरने का ये हो जाएगा, ध्यान दो, सेकेंड साल मरने का दिस इंटू दिस। सेकेंड वाला होगा, ठीक है स्टार्टिंग में कर देते हैं 10 into 10, क्योंकि ये भी तो पहला साल जिंदा रहने का, टी माइनस वन किया मैंने। ये हो गया, अब देखो सेम नहीं आ रहा है। अब इसके बाद फाइनल ईपीवी इज 1 लाख एब्सोल्यूट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू दिस। ठीक है बोलो। कर सकते हैं हाँ, पहला वाला फिर चेंज नहीं रहेगा ना, मतलब ये हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बोलो। वो क्यों आप पता है, थर्ड क्वेश्चन में किया नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में बोल रहा है यूडीडी, तो यूडीडी में क्या अजम्पशन होगा? ये फर्स्ट फर्स्ट पार्ट का ही तो पार्ट ए भी है, तो इसी में करना होगा। तो यहाँ एक काम करो, डिस्काउंटिंग फैक्टर के पहले ना मैं एक वो बना देती हूँ इंसर्ट, तो ये हो जाएगा मेरा। ठीक है ठीक करो, तुम लोग सोचो खुद से। एक मैंने करा दिया, एक अब खुद से सोचो। सेम कॉन्सेप्ट ही है, यहां पे भी तुम लोग को 1/12 वो निकाल के करना है, सेम है ये। यहाँ पे भी हम लोग 1/12 क्यू एक्स निकालते हैं, बट यूडीडी के केस में अगर क्यू 70 गिवन है तो कैसे निकालते हो? हाँ आई थिंक यूडीडी के केस में एक अप्रोच है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, विल बी बेटर इज ये वाला निकालने से बेटर पता क्या रहेगा, क्योंकि सीएफएम के अंदर आपका पीएक्स कांस्टेंट रहता है हर महीने, इसमें चेंज होता है,
इसमें जो आपका 1/12 क्यू एक्स है वो हर मंथ ऑन मंथ इंक्रीज होता है. What do you mean by UDD is uniform distribution of death. And what do you mean by uniform distribution of death is हर महीना उतने ही लोग मरेंगे. ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, अगर मैं एक बार ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि ये मैं ले लेती हूं एल एक्स और ये डीएक्स, डीएक्स में अपने सारे कॉन्स्टेंट रहेंगे. सो जस्ट फॉर अज्यूमिंग आई एम टेकिंग देर आर 1000 पीपल एट द स्टार्ट, सुनना ध्यान से, जस्ट फॉर अज्यूमिंग. तो एल सेवन, ये तुम्हारा हुआ एल 70, तो बेसिकली एल 71 कितना होना चाहिए? दिस into 1 minus this, yes or no? ये होना चाहिए ना. अब हर महीने कितने लोग मर रहे हैं ये निकालना है. टोटल कितने लोग मरे, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 12, इसको ना 10,000 कर देते हैं. एक सेकेंड रुको, ये मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है इनके से. लेट मी चेक, बट दिस इज द ओनली वे. 98 इनका आ रहा है बाई 12. इन्होंने ना गलत किया है सोल्यूशन में. वॉट दे हैव डन, दे हैव टेकन, मतलब ये जो इन्होंने डीएक्स निकाले, पता है कैसे निकाला है? इसको किया है क्यू 70 बाई 12 इंटू 10,000. क्यों? डीएक्स बाई 2x, तो वैसे करके फिर से dx हो गया आपका lx into 2x. ये मंथली डेट है, तो qx 1/12 कर देंगे lx into 1/12. अच्छा हाँ, क्योंकि इक्वल है. पर आंसर अलग आ रहे हैं, पर अलग क्यों आ रहा है मेरा, आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, बट ट्राई करते हैं, समझ आएगा. तो ये वाला हो जाएगा दिस माइनस this and you drag and this is actually constant. I mean, I think वो वाला ही method सही रहेगा. थोड़ा complicated हो गया, मतलब इसमें मैंने बहुत सारे वो ले लिए. ये at the end वो हो गया, ये at the start होना चाहिए, यहां मुझे लेना चाहिए. ये 12th year का start, जैसे ये मैंने लिया first year का start, तो ये मैंने लिया 12th month का एंड ले लिया ये, बट ये होना चाहिए उसका स्टार्ट, इसीलिए गलत हो गया. मतलब इधर मुझे लिखना चाहिए था अलग से, दिस इनटू 1 माइनस, तुम लोग नहीं समझा, ये है फर्स्ट मंथ का स्टार्ट, सेकेंड मंथ का स्टार्ट, तो ये होना चाहिए 12 मंथ का स्टार्ट ना, और मैंने ले लिया 12 मंथ का एंड. नहीं समझा? तो ये इधर होगा ये फिगर, और ये इसको बस ड्रैग करेंगे. अब देखो ये लिंकिंग इशू हो गया, इधर इसको ले जाएंगे इधर. अब क्यों लिंकिंग इशू आ रहा है? उसको होता है लिंकिंग इशू. अब सही है. कोई टूल नहीं है, वो एरर है. ठीक है, क्लियर है? क्या किया मतलब, ये हमने निकाला है L71, ये है L70
ये निकाला L71 कैसे निकाला, L70 into 1 minus Q70 करके. So this minus this total, these many deaths happened in a year, 124.37 deaths happened. Divide by 12 कर देंगे तो each month आपका DX आ गया. अब आपका जब आपके पास LX DX आपके आपको मिल चुका है, अब आप क्या पूरा बना सकते हो अपना टेबल. Now you can easily calculate this. What will be this? बताओ. This divided by, देख लो ये आ गया. फिर वापस ये निकाल सकते हैं, मतलब अब ये सब पूरा खुद से इधर आप लोग निकाल सकते हो. कोई डाउट है तो पूछ लो. डीएक्स फिर वही किया ना तुम जो बोल रहे हो, मतलब 10,000 माइनस दिस वो हुआ टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स का मीनिंग होता है. यहाँ पे अगर तुम लोग को एक नोट देना है तो तुम लोग एक नोट दे सकते हो. ये मेरा कमेंट क्यों नहीं आ रहा है इसमें. हाँ ये तो 1/12 उस हर एक मंथ का है ना, इधर पे तुम करेगा वो चीज. ये तो तुम्हारा हर मंथ का हुआ ना, तो हर मंथ का तो दिस डिवाइड बाय दिस ही होता है. हर मंथ का हुआ, ये मंथली हुआ. तुम वैसे करता तो तुम्हारा डायरेक्टली ये कॉलम आता. अब यहाँ पे होगा बेसिकली ये वाला आपका जो सिंपली वन है, एंड ये वाला आपका हो गया आई थिंक वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ यूज करा है. नहीं ये वाला कैसे यूज कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टू द लास्ट ईयर सर्वाइव किया और इस ईयर मर गए, बट ये है सर लास्ट ईयर सर्वाइव लास्ट मंथ सर्वाइव किया, विच इज आई फील अब इसको निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि ये आ गया डायरेक्टली निकाल सकते थे. दिस डिवाइडेड बाय दिस इसको कर देंगे एब्सोल्यूट. ठीक है ना, पूरा लाइफ टेबल आप लोगों ने जो सीखा है वो तो टेस्ट हो रहा है. ये हुआ तुम्हारा पहला महीना जिंदा रहने का, ये हुआ तुम्हारा पहला दो महीना जिंदा रहने का, पहला तीन महीना जिंदा रहने का, एंड सो ऑन. अब ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा इससे, विच इज पहला महीना मरने का, दूसरा महीना फर्स्ट महीना जिंदा रहे फिर मर गए. इधर हो गया आपका दिस इनटू डिस्काउंट. एक सेकेंड रुको. आंसर वेरीफाई करूं. कोई डाउट है तो पूछूं.
चिकन तो एलेक्स डीएक्स, क्योंकि यहाँ पे 1/12 क्यू एक्स कॉन्स्टेंट का डायरेक्टली निकाल सकते हो, यहाँ डायरेक्टली निकालने के लिए वो बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो एलेक्स एंड डीएक्स, डीएक्स कॉन्स्टेंट है वो निकाल लिया, अब एलेक्स डीएक्स आ जाते तो हम लोग उससे आराम से क्यू एक्स डीएक्स सब कुछ निकाल सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट में बोला है कमेंट ऑन द डिफरेंस, तो अगर हम लोग ये 1/12 क्यू एक्स को समझें कि कैसे दोनों चेंज हो रहा है, सो व्हाट वी कैन डू इन दिस शीट इज वी कैन गेट एज यहाँ पे, ठीक है, एंड वी कैन गेट, सो बेसिकली वी कैन प्लॉट 1/12 क्यू एक्स यहाँ पे अंडर सी एफ एम एंड अंडर UDD. तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू, यहां जाके ये मैंने एज उठा लिया, ये उठा लिया, ठीक है ना, अब इसको अपने ड्रैग करेंगे, करो करो एंड मे बी देन वी कैन प्लॉट दिस। एज भी प्लॉट हो गया, ठीक है, अब यहां देख के क्या समझ में आ रहा है, ये बोला नहीं करने बट जस्ट डूइंग टू अंडरस्टैंड कि आपका जो, अच्छा एक चीज जो हम लोग कमेंट करते हैं कि आपका ईपीवी किसमें हायर आ रहा है, इन केस ऑफ यू सी एफ एम आपका ईपीवी हायर है व्हेन यू कंपेयर टू यूडीडी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कोई बता सकता है, द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन, एक बार सुन लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑफ 5 marks, द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन द फुल ईयर अंडर बोथ सी एफ एम एंड यूडीडी इज सेम, ये नहीं चेंज हो रहा है, 270 अगर सेम है तो आपका यूडीडी सी एफ एम में टोटल डेथ्स सेम रहेगा ना पूरा साल का, वो थोड़ी चेंज होगा, टोटल डेथ्स कैसे निकालेंगे अपने, 10,000 into Q70 is the total number of deaths in the year. तो वो तो सेम होगा अपना, वो नहीं चेंज होगा, राइट, तो आपका टोटल नंबर ऑफ डेथ सेम है, बट वेन यू कम्पेयर 1/12 QS अंडर बोथ, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक के केस में इन केस ऑफ आपका सी एफ एम इट्स कॉन्स्टेंट, इन केस ऑफ यूडीडी इट्स इंक्रीजिंग, इसका क्या मतलब है, इस फर्स्ट हाफ ऑफ, अब ध्यान से सुनो, मैं इसको 10 बार रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग फेल हो जाओगे 1 या 2 marks से क्योंकि आप लोग कमेंट अच्छे से नहीं लिख के आओगे, दिस इज अ हार्ड रियलिटी, इसमें बहुत कम मार्क्स का है
बट एक्चुअल में कमेंट्स आपके पेपर में 15 टू 20 मार्क्स आएगा जो रिसेंट में हमने देखा है सारे पेपर्स में. ये हो गया पहला. तो कैसे 5 पॉइंट्स लिखने अच्छे अच्छे ताकि हम लोग को मार्क्स मिले. पहला पॉइंट, टोटल डेथ्स आपका सेम है, Q70 सेम है. सेकेंड पॉइंट, आपका CF, आपने क्या कंक्लूड किया, CFM में हायर ईपीवी है कंपेयर टू UDD. क्यों? पहला अगर हम देखें तो CFM में Q70 थ्रू आउट द ईयर सेम है, फिर तुम कितने बार यॉन करेगा. UDD में इट्स इंक्रीजिंग. सो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर फॉर बहुत इरिटेटिंग लगता है फॉर समवन हू सिटिंग हियर एंड टीचिंग, एंड जब वो तुमको बार एंड यॉन बहुत कंटेजियस है, तुम यॉन करेगा मेरे को भी आएगा. मत करो क्लास में, बहुत डिस्ट्रैक्ट. एटलीस्ट मेरे को तो बहुत होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर टीचर्स. फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में क्या हो रहा है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ यूडीडी में कम है. तो अगर हम लोग जाए और देखें ईपीवी, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर का तुम लोग अगर ईपीवी कंपेयर करोगे तो देखोगे कम आ रहे हैं. इसको और इसको कंपेयर करो, देखो कम आ रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर यूडीडी के केस में, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर हम लोग का इंक्रीज हो जा रहा है यूडीडी में. यस और नो? क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर क्या हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, 1 लाख सेम है, डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम है, ओनली द डिफरेंस इज इन द QX. आप क्या कर रहे हो, 1 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू QX, 1 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू QX, वो दोनों सेम है तो QX में चेंज है. तो इसीलिए पहला आधा साल आपका जो QX है वो हायर है CFM में और सेकेंड हाफ ईपीवी. अब क्या होता है व्हेन यू डिस्काउंट, तो पहला साल, पहला आधा साल जो पहला 6 मंथ्स है उस वैल्यूज को जब आप डिस्काउंट करते हो तो वो लेस हेविली डिस्काउंट होता है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर को जब आप डिस्काउंट करते हो तो वो मोर हेविली डिस्काउंट होता है, तो उसके वैल्यू ज्यादा रिड्यूस होते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर CFM के केस में आपका हायर अमाउंट पे आउट हो रहा है 1 लाख इंटू QX करने से, अगर हम लोग खाली देखे तो वो आप कम डिस्काउंट कर रहे हो, हायर अमाउंट्स को कम डिस्काउंट कर रहे हैं. और यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर UDD में आपके जो हायर अमाउंट है उसको आप ज्यादा डिस्काउंट कर दे रहे हो, एंड दिस इज द रीजन CFM आपको हायर आंसर दे रहा है कंपेयर टू UDD. अब इसको आपको अच्छे से समझाना है तब जाके 5 मार्क्स मिलेगा. खाली बकवास घटिया लाइन्स लिख के आओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि 5 में 4 मिले, नहीं मिलता है. 1.5, आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग 0. आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग 0 इन 8 मार्क का कमेंट्स. क्यों? क्योंकि तुम लोगों को खाली करना आता है कि भाई कॉलम्स भर दिया, उसको समझाना कमेंट करना नहीं. इंटरव्यू में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूछता है आपसे जो इंटरव्यूअर है, आप ब्लैंक बैठे हो. कोई लेगा कंपनी? कोई कंपनी आपको नहीं लेगा, कोई कंपनी नहीं लेगा, तो मत एक्सपेक्ट करना. CM1 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज. यही अगर आप नहीं समझा पाए कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा. क्लियर? अब इसका आंसर एक बार मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को, इसको रीड कर लो. क्या बोला है, कंपेयरिंग 1/12 अंडर UDD CFM, वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेथ्स ओवर द ईयर डिफर्स. वी सी दैट रेट्स फॉर UDD आर लोअर इन द फर्स्ट 6 मंथ्स एंड UDD आर हायर इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. दस अंडर UDD डेथ्स अकर लेटर इन द ईयर, मतलब नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 100 हैं, बट क्योंकि आपका QX हाई है यहाँ तो मोर डेथ्स विल अकर इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर फॉर UDD एंड लेस डेथ्स. वो कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे आपका DX हमने इसके लिए निकाला जो कि सेम है, अगर आप इसका DX निकालो कैसे निकालेंगे, CFM का DX बोलो, LX इंटू ये वाला LX लेके इंटू QX करके देखना एंड फिर वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ले लेना, तो आपका जो नंबर ऑफ डेथ्स है विल बी हायर इन द सेकेंड ईयर फॉर UDD एंड लोअर इन द फर्स्ट हाफ फॉर UDD. तो कम लोग मरेंगे कम पे आउट होगा, यहाँ ज्यादा लोग मरेंगे ज्यादा पे आउट होगा, वही चीज उन्होंने उधर लिखा है. एंड देन व्हाट दे आर सेइंग, व्हेन कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू डेथ बेनिफिट्स विल बी डिस्काउंटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अंडर UDD, जो आगे के वैल्यूज है, दस ईपीवी ऑफ द बेनिफिट विल बी लोअर. द टू रिजल्ट आर वेरी सिमिलर,
यूडीटी गिव्स यू लोअर एनपीवी, या स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, एज द इंटरेस्ट रेट मूव्स टुवर्ड्स 0% द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स रिजल्ट्स डिमिनिशेस. मतलब आपका ये जो रेट है, ये जो आपका डिस्काउंटिंग रेट है, अगर हम इसको अभी कितना है 1%, इसको अगर आप 0 कर दोगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो डिफरेंस. इसको अगर आप 5 कर दोगे ऑब्वियसली द डिफरेंस विल इंक्रीज. ठीक है, तो यही चीज बोला है यहाँ पे. देखो 919 आ रहा है, यहाँ पे 918 आ रहा है, तो डिफरेंस विल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि मेन डिफरेंस आपका डिस्काउंटिंग का ही है, डिस्काउंटिंग का भी है कि जितना ज्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे तो पहले वाले उतने डिस्काउंट नहीं होंगे, टुवर्ड्स द एंड जो बड़े अमाउंट है यूडीडी में वो ज्यादा डिस्काउंट हो जाएंगे, तो डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा सीएफएम और यूडीडी का. कॉन्सेप्ट प्योर यूडीडी एंड सीएफएम का. इससे अच्छा आप हम लोग CS2 में भी यूडीडी सीएफएम पढ़ते हैं, बट डायरेक्ट डायरेक्ट लेते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ है यूडीडी एंड सीएफएम का थ्रू दिस क्वेश्चन, ये और कोई क्वेश्चन में नहीं होगा आपका. क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ आया? थ्रू अ ग्राफ क्लियर? एनी डाउट? क्या क्या नहीं क्लियर हुआ बोलो. देखो यूडीडी में ज्यादा डेथ हो रहा है क्योंकि क्यूएक्स ज्यादा है ना. सीएफएम में नंबर ऑफ डेथ्स कांस्टेंट है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यूडीडी में तुम्हारा नंबर ऑफ डेथ्स कांस्टेंट है, बट हम लोग क्या लेते हैं? क्यूएक्स लेते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स नहीं ले रहे ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ लेते हो ना तुम लोग जब तुम लोग ईपीवी निकालते हो कि नंबर ऑफ डेथ्स. हाँ तो तुम क्यू एक्स ले रहे हैं ना, यस और नो? तो क्यू एक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब अमाउंट 1 लाख इंटू क्यू एक्स इज हायर ओवर हियर, 1 लाख इंटू क्यू एक्स इज लोअर ओवर हियर, 1 लाख इंटू क्यू एक्स इज हायर ओवर हियर एंड यू आर डिस्काउंटिंग एट अ हायर रेट बिकॉज यू आर डिस्काउंटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो वो कम हो जा रहा है उसका इफेक्ट. तुम लोगों ने क्या पढ़ा? तुम लोगों ने जब रेडिंगटन में वो वोलेटिलिटी और ये सब निकाला था, उसमें हम लोग क्या निकालते हैं? टीम टू पीवी करते हैं ना. आप पीवी में टाइम का वेटेज देते हो, उधर यहाँ सिमिलर है. क्या बोलने का कोशिश करें, जो टुवर्ड्स दी एंड पेमेंट्स हो रहे हैं वो हायर अमाउंट के लिए हो रहे हैं, बट वो अमाउंट ज्यादा से डिस्काउंट हो जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट इतना नहीं आ रहा. सिमिलरली शुरू में लेस अमाउंट पे आउट हो रहे हैं, वो उतना डिस्काउंट नहीं हो रहा तो उसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है. इसीलिए यूडीडी इज लोअर दैन सीएफएम, और जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे उतना हेविली वो डिस्काउंट होगा, तो वो जो इफेक्ट है सीएफएम हाई एंड लो यूडीडी का वो और ज्यादा हो जाए. गॉट इट? अंडरस्टूड? ठीक है, रीड करो और समझना है.